यूट्यूब चैनल, यहाँ पे मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी और एक तरफ मैंने डाल दिया है चावल। सब्जी का कुछ अता पता ही नहीं है, सब्जी में क्या बनाऊँ। क्या लो, ले लो। दो तीन दिन से पता नहीं क्या हो गया है कि गर्मी मेरा। जिस दिन हम लोग मुंबई जाने वाले थे, मुंबई से एक दिन पहले, जैसा कि मैंने शायद वीडियो में बताया नहीं था, मुझे याद नहीं आया है, लेकिन मेरा रुद्राज में मंदिर में गई थी, रुद्राज में वहीं भूल के आ गई थी। तो ये बोल रहे थे कि तुम जाके एक बार वहाँ पूछो तो सबसे कि मतलब कि पंडित जी को बोल दोगी तो पंडित जी जितने भी सारे लोग आते सबसे पूछेंगे। तो वहाँ पे आज मैं गई मंदिर में, तो मैंने पूछा उनसे, तो बोले किस दिन का था रुद्राज। मैं बोली कि मैं 13 को गई थी, 11 को मैं मंदिर गई थी और उसके बाद 12 को भी गई, तो आप थे नहीं, तो इस मैंने आपसे पूछा ही नहीं। हाँ, फिर उसके बाद आज गए तो पूछे, तो बोले कि हाँ मैंने पाया था। बोले कहाँ रखी थी जानते जी? करे कहाँ पे रखी थी बताइए। हम के यहीं शिव जी के मंदिर, मतलब शिव जी के पास रखे थे, उनके शिवलिंग के पास रखे थे। कह रहे हैं कि हाँ था, मैंने लिया था, मैंने सोचा कि किसी ने चढ़ाया होगा। मैंने बोला किसी ने चढ़ाया? हाँ ठीक है, चढ़ाए ही समझते, क्योंकि हमारे यहाँ इतने दिन से वो था, तो हम सोचे कि चलो भगवान जी के दरबार में चढ़ा देते हैं, थोड़ा हो जाता है, अच्छा माना जाता है। तो बोले कि चलिए मैं ढूंढ के आपको दूंगा। तो फाइनली हमारा इतना कीमती चीज़, इतना हमारा, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा कीमती था। मेरे को कितना दिन तक टेंशन हो रहा था कि मैं अभी रुद्राज का पानी नहीं पी रही हूँ, रुद्राज का पानी नहीं पी रही हूँ। फाइनली अगर मिल जाएगा, मतलब एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि हाँ पंडित जी के पास है, वो अपने घर पर ले गए, ये चीज़ खुशी हो रही है जान के। यहाँ पे हमारा ये छोटा छोटा रोटी मैंने कृतिक के लिए बनाया है। आपने उसके लिए केला नहीं मंगाया? गाइस यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम होने के बाद मैं यहाँ पे आ गई तैयार होने के लिए। मैं तैयार होने जा रही थी तो प्राची रेगुला मामी कल जो आशीष भैया ने सिखाया था, तो मैं आपके ऊपर ट्राई कर लेती हूँ आई मेकअप का। तो मैं बोल रही थी नहीं आज नॉर्मल करो, आज ज़्यादा मत करो, क्योंकि बोलो, क्योंकि चेहरा मेरा ख़राब हो जाता है, थकी है, मज़ा नहीं आएगा। ऐसा मेकअप करो कि लोग तारीफ़ करें आई का, क्या ऐसा भी नहीं करूँगी कि लोग इतना बुराई करेंगे। नहीं नहीं मतलब नॉर्मल एकदम करूँगी ना, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा तो लोग जानेंगे कैसे? पता चलेगा मतलब नहीं पता चलेगा, पता चलेगा मतलब नहीं पता चलेगा। समझ जाओ, न्यूड करोगी एकदम। कल वाला भी आशीष ने बिल्कुल न्यूड किया था ना, आशीष की जैसे उसके हाथों में तो जादू है, जादू। तो 2 लाख दे के सीखा है, मैं 2 लाख छोड़ी दी, मैं बताऊँ किसी को ये दूध मैंने रखा, देखना तो इसमें रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा भाई? ऐसे हो रहा है कभी, तो देख के ये तो मुझे सिखा रहा है कृतिक बाबा का, कृतिक की माई। तो देख के आइए गाइस, पता है आप लोगों को, आप लोग गेस कर सकते हो कि कितना टाइम हो रहा होगा? 6 बज रहा है और 6 बजे मतलब फोन में बहुत दिक्कत आ गई बाबा, सर्विस सेंटर दिखा दो, मुझे भी दिखा दो ना डॉक्टर को। पता नहीं क्यों मेरा ना जैसे गाल पे ना देखो पिंपल्स निकला है क्या जैसे कभी कभी ना, वही मेरे को टच जब जब हो रहा है ना तब वो दर्द हो रहा है। पिंपल्स तो है वो यहाँ पे, हाँ वो दिख रहा है। हाँ यहाँ दर्द, नहीं नहीं पिंपल्स नहीं है ये देखो, ये अच्छा ये यही ये जो यहाँ हुआ है यहाँ, ये तो पिंपल है, ये उस दिन जो रात में गुस्सा हुआ था एक यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, क्या है ये? नहीं दर्द हो रहा है? अच्छा ये वो बाबू आपको मारा है। थी मैं आपको इसका ढक्कन छिलनी है, छिलनी है। ठंडा लग रहा है यार आपको? बहुत ठंडा। तुम कैसे आज बैठ के मेकअप कर रही हो? स्टोन ढूंढे नहीं मिला ना, और दुनिया भर की गंदगी फैला दी है यहाँ पे।
तो गाइस ये हम हो गए तैयार और ये रहा हमारी साड़ी, बहुत प्यारी साड़ी लग रही है। ऐसा भी नहीं कि हाँ चलो फैलने वाली साड़ी हो, और गिंजर साड़ी है लेकिन बिल्कुल भी नहीं फैल रहा, अच्छा लग रहा है साड़ी येलो और रेड में। और इसके साथ मैंने पहन लिया ये वाला गले का सेट, तो आप लोग बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है। ही गाइस तो यहाँ पे मैं एक गाने बना रही हूँ, बड़ा सुकून है मैं दिल से तुम पे मरती हूँ, मैं अब किसी से नहीं बस खुदी से डरती हूँ। मैं रील्स बना रहे थे तो प्राची ने बिहाइंड द सीन शूट कर लिया, और मेरा कृतिक उस बीच में परेशान कर रहा था, तो इसके पापा ने कैसे भी कैसे करके ले रहे थे। और मैं लाइट के बाहर जा रही थी, प्रवीण बोला दीदी आगे नहीं जाइए, कितना मेहनत था आप लोग को पता है। ये 8 बज रहे हैं और मैं उसके बाद ये सब वीडियो वगैरह नहीं, 8 नहीं बज रहा है, 7:35 हो रहा है सॉरी। तो बताइए इतनी रात को मैं शूट करा रही हूँ, फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे काम है, और हमारे यहाँ कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए मैं कुछ बना खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और मुझे वो डर गई थी कहीं हम लोग बेहोश तो नहीं हो गए हैं क्या, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। एक्चुअली क्या नाम है, फ़ोन साइलेंट में था, मुझे पता ही नहीं चला। तो बताइए गेस करके कौन आने वाला है। तो ये रहा हमारा आज का ब्लॉग, ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, हमने बहुत सारे रील्स बना लिए हैं और बहुत कुछ कर लिए हैं, तो मुझे लगता है ना पहले थोड़े से मोटे हो गए हैं, तो इस मोटेपे को थोड़ा दूर करेंगे, क्योंकि बाहर जाओ तो हर चीज़ पता नहीं चलता है कि टाइम से क्या खाना होता है, कब क्या करना होता है। तो और इंसान बाहर जाए तक रहता है घूमने के लिए, तो चाह के भी अगर सोचे कि मैं ना खाऊं और इग्नोर करूं हर चीज़ें तो नहीं हो पाता है। तो अभी हम चलते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं। अभी मैंने वैसे ही साड़ी पे कुछ खाया पिया नहीं है, खुद ही इतने लेट में 6:30 बजे तो साड़ी वगैरह ही पहने हुए हैं, और तब से मैं पहनी ही हुई और वीडियोज़ वगैरह बना ली। तो इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करती, इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट से करें, क्योंकि बहुत सारे काम है, खाने पीने भी बनाना है, तो कोई आता है तो काम तो बढ़ ही जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ये रहे हमारे पति देव, कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। आजकल इनके दाढ़ी वगैरह सब कुछ बढ़ गया, गाड़ी आ गया एकदम, नया गाड़ी आया है। आया है कि नहीं आया है, नई गाड़ी लिए हो और मुझे बताया भी नहीं, जाके देखो सही। देखो गाइस नई गाड़ी नहीं है, मतलब उसको इतनी नई हो, एकदम पेंट वेंट करा ली है ना 10 दिन क्या 12-13-14 दिन हो घर से बाहर ही था। अरे वो बहुत सारी स्क्रैचेस लग गए थे ना, तो मैं था पति देव ने लिया हमारे घर में एक नया कार। तो रानी को गाड़ी इतनी पसंद है ना, वो कहती मुझे गाड़ी पसंद है, ये बोल लेते कि मैं उसको बेच करके दूसरा लेता हूँ। पता है मैं बहुत कंट्रोल फिर से, गाड़ी मुझे लेनी है लेकिन चलो वो गाड़ी रहेगी। चलो बातें बहुत ज्यादा हो गई, उठा है।